अगर वीडियो आपने पूरा देखा तो दो बातें जरूर क्लियर हो जाएंगी। पहली, अगर हमारे घर में माँ बहन बेटी लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकती, और दूसरी, अगर वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है तो वो शाकाहारी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जानकारी जब मुझे भी मिली, मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन ये सच है। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक समय था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई में नारी समाज का उतना ही योगदान था जितना पुरुष समाज का था। वो कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, लेकिन आज समय के साथ समाज में इतनी गिरावट आई है, या मैं कहूँ ला दी गई है गिरावट, कि हम नारी को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। कोई भी विज्ञापन उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक बात पर फोकस रहता है, जो है नारी को, वुमेन को गोरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। इससे हुआ क्या है, एक तो समाज में गिरावट आई है, नारी को सिर्फ भोग की वस्तु माना गया है, दूसरा ब्रेन वॉश हुआ है लेडीज का, लड़कियों का। क्या ब्रेन वॉश हुआ है, जो औरत लड़ाई आज़ादी की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, आज उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चलती है कि वो सुंदर कैसे दिखे, गोरी कैसे दिखे, सुंदर कैसे दिखे। इसके अलावा कोई दूसरी बात किसी भी औरत के दिमाग में नहीं चलती, और कहीं ना कहीं समाज में इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जीन हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से है, ना वो गोरा होना चाहिए ना वो ज़्यादा काला होना चाहिए। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारा जीन बनाया है, सांवलेपन का हमारा जीन बनाया है। हम माता सीता को इसलिए सम्मान नहीं देते, माँ का दर्जा इसलिए नहीं देते कि वो गोरी थी, सुंदर थी। हम उनके गुण, उनके कर्म की वजह से उनकी इज्जत करते हैं, उनको माँ का दर्जा देते हैं। तो हमें समझना होगा कि ये कितना मायने रखता है। खैर, इसकी दूसरी एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। पहले बात करूंगा हेल्थ एस्पेक्ट पर, और उसके बाद आऊंगा कि कैसे मांसाहार से ये प्रेरित है। आज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर ग्रो कर रही है भारत में, क्योंकि भारत की आधी आबादी अगर हम मान कर चले तो लगभग 60 करोड़ के आसपास आबादी औरत है, ये लड़की जो है नारी समाज है, और उस पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अरबों खरबों डॉलर का मार्केट है, और यहाँ से अधिकतर पैसा जो है बाहर जा रहा है, विदेशी कंपनियां अपने उत्पाद बेच रही हैं। एक स्टडी के अनुसार एक औरत पूरे जीवन में 2 से 4 किलो लिपस्टिक खा जाती है। मेरी बात पर शायद यकीन ना हो, आप गूगल भी कर सकते हैं, टीम को बोल दूंगा पीछे वो है जो है इसका डेटा लगा दे। 2 से 4 किलो लिपस्टिक ऑफिशियल स्टडी है कि एक औरत खा जाती है पूरे जीवन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के कुछ छात्रों ने 2017 में एक रिपोर्ट तय की थी स्टडी के बेस पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा था। इस स्टडी का, इस रिपोर्ट का टाइटल था कि ट्रुथ अबाउट लिपस्टिक्स, और इस पत्र में उन्होंने, उन स्टूडेंट्स ने ये आग्रह किया था कि लिपस्टिक जो हमारे स्वास्थ्य पर, जो नारी औरत माँ बहन बेटी की हेल्थ पर जो दुष्प्रभाव डालती है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो लेडीज को बहुत ज्यादा बीमार करते हैं। इस पत्र में साफ साफ लिख दिया गया था कि लिपस्टिक का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की क्या प्रतिक्रिया आई, क्या नहीं आई, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। इस रिपोर्ट में, इस पत्र में एक और बात जो है लिखी गई वो ये थी कि पिछले कुछ दशकों में लिपस्टिक के इंग्रेडिएंट्स पर, मतलब जिन चीज़ों से ये लिपस्टिक बनती है, उस पर बहुत ज़्यादा उन इंग्रेडिएंट्स में गिरावट आई है। और एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, महंगे से महंगा या सस्ते से सस्ता, लगभग सभी ब्रांड्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, लेड हैवी मेटल्स है। और अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो लेड एक न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब ये दिमाग की बीमारियां पैदा करता है। उसके साथ साथ इसका इन्हेलेशन, जब ये शरीर के अंदर जाता है तो किडनी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, किडनी फेलियर, लीवर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और शरीर के मेन ऑर्गन्स पर बड़ा ही ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है। ये बातें वो नहीं है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये मेरे पास रिपोर्ट है जिसके आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूँ।
मिथाइल पैराबिन, रेटिनाइल पालमिटेट, पॉली पैराबिन जैसे केमिकल्स इनमें होते हैं। लगभग हर लिपस्टिक में किसी भी कंपनी की हो ये केमिकल्स पाए जाते हैं। इन केमिकल्स पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का। ये सिर्फ लिपस्टिक में ही नहीं, हमारी डेली यूज जो दैनिक दिनचर्या में हम उत्पाद इस्तेमाल करते हैं उन सब में भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे शैम्पू है, टूथपेस्ट है, किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए, साबुन है, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। और इनके क्या दुष्प्रभाव हैं, इनसे हम कितने गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की। ये तो है हेल्थ एस्पेक्ट कि अगर लिपस्टिक का इस्तेमाल कोई भी माँ बहन बेटी करती है तो उसके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज जो हैरान कर देने वाली है, जिसको पढ़कर, जिसको जानकर मैं भी चौंक गया था, वो ये थी कि लगभग सभी ब्रांड्स की लिपस्टिक में ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए गए जिनका ओरिजिन जो है एनिमल से है। मतलब वो वेजिटेरियंस नहीं है। वेजिटेरियंस मतलब जो प्रोडक्ट्स जैसे बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स इसको लिपस्टिक को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो या तो पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट किए जाएं या किसी और चीज़ से एक्सट्रैक्ट किए जाएं, लेकिन नहीं, वो जानवरों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसमें से कुछ के बारे में बात करूंगा। जैसे पहला है टैलो। टैलो का इस्तेमाल होता है आईलाइनर में और आई फाउंडेशन में और कॉस्मेटिक जो है लिपस्टिक के लिए टैलो का इस्तेमाल होता है। ये पहला प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बनाया कैसे जाता है? ये हैरान कर देने वाली बात है कि जब भी कोई जानवर मर जाता है तो उसकी चर्बी को पिघला जाता है और जैसे शव को गर्म करके उस जानवर के उसको उबाला जाता है, तो ऊपर जो चर्बी आती है, ये जो चर्बी निकलती है इससे टैलो बनता है। ये टैलो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और लिपस्टिक में भी होता है। क्लियर कट है कि ये इस्तेमाल करने वाली महिला शाकाहारी नहीं हो सकती। इसके बाद जो दूसरा उत्पाद है जो लिपस्टिक में इस्तेमाल होता है वो ये है लेनोलिन। अगर आप हफ्तों तक नए नहाएं तो क्या होगा, शरीर पर मैल की एक परत जम जाएगी। ऐसी परत को लेनोलिन कहते हैं। अब ये हमारे अंदर नहीं होगी, ये किस में होती है? वूल रियरिंग एनिमल्स में, मतलब जिनसे ऊन मिलती है, जिन जानवरों से ऊन को निकाल कर ऊन के बाद जब उनकी जो है स्किन होती है उसके ऊपर जो मोटी परत होती है मैल की, उससे लेनोलिन बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात को कुछ विश्वास ना करे। ऑफिशियल डाटा है, गूगल कर सकते हैं हाउ इज लेनोलिन डिराइव्ड। पीछे इमेज भी लगी हुई है, उस पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये, हाँ, ये मेकअप रिमूवर में इस्तेमाल होता है और लिपस्टिक में इस्तेमाल होता है। जो तीसरा उत्पाद है वो है स्क्वेलिन। स्क्वेलिन भी लिपस्टिक में इस्तेमाल होता है, आई मेकअप में इस्तेमाल होता है। और ये जो शार्क मछली होती है, इसके लीवर से, यकृत से ये मिलता है, निकलता है। ये इस्तेमाल करने वाली महिला कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकती। एम्बरजिज, एम्बरजिज भी व्हेल मछली के जो पेट की लाइनिंग होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद ग्वेलिन है, कोक्नियल डाई है, ये सब एनिमल डेराइव्ड हैं। मतलब अगर शाकाहारी अगर कोई व्यक्ति है तो वो इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो इनका इन सब का इस्तेमाल कर रहा है तो वो शाकाहारी नहीं हो सकता। ये प्रमाण है, फैक्ट्स हैं, गूगल कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट पर कर लीजिए। दुनिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमें वो बीमार करने के साथ साथ हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रही है। महिलाएं बड़े अच्छे से तैयार होकर शादी समारोह में जाती हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं, लिपस्टिक लगा कर जाती हैं, और उसके बाद जब वहाँ पर मेन्यू आता है तो वो कहती हैं हम वेजिटेरियन। ये संभव नहीं है। मैंने सारा डेटा रिसर्च फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखा, आप इसको गूगल कीजिए, कहीं से भी क्रॉस चेक कर लीजिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हमें अपने घर की माँ बहन बेटी को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। अगर हमें उनका धर्म भ्रष्ट नहीं करना है तो इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि हम उनकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो सुंदर दिखती हैं, हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उनके गुण उनके कर्म ऐसे हैं, हमारा उनसे रिश्ता है, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं।
हेल्थ एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट, आप किसी भी एस्पेक्ट से लिपस्टिक का इस्तेमाल छोड़ सकते हैं अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना है, अगर हमें अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना, तो हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हर घर तक पहुंचा देना, क्योंकि हर घर में किसी न किसी की माँ बहन बेटी जरूर होती है। धन्यवाद।